नमस्कार, योजना से संबंधित इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसके अंतर्गत आज हम लाइट हाउस प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे, जिसका शिलान्यास हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। प्रधानमंत्री ने इसके तहत 6 राज्यों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी है। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत अगरतला त्रिपुरा, रांची झारखंड, लखनऊ उत्तर प्रदेश, इंदौर मध्य प्रदेश, राजकोट गुजरात और चेन्नई तमिलनाडु में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है। ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर निर्माण क्षेत्र में नए युग की वैकल्पिक वैश्विक प्रौद्योगिकियों, प्रक्रियाओं और सामग्रियों के सर्वोच्च उपयोग का प्रदर्शन करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट क्या है। लाइट हाउस प्रोजेक्ट केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में खास तकनीक का इस्तेमाल कर सस्ते और मजबूत मकान बनाए जाते हैं। इस प्रोजेक्ट में फैक्ट्री से ही बीम कॉलम्स और पैनल तैयार कर घर बनाने के स्थान पर लाया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि निर्माण की अवधि और लागत दोनों ही कम हो जाती हैं, इसलिए प्रोजेक्ट में खर्च कम आता है। इस प्रोजेक्ट के तहत बने मकान पूरी तरह से भूकंप रोधी होते हैं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत बने मकानों की लागत क्या होगी? घरों की कीमत लगभग 13 लाख रुपए है, जिनमें केंद्र और प्रदेश सरकार एवं लाभार्थियों का भी योगदान होगा। फ्लैट का आवंटन प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अनुसार होगा। नई तकनीक के प्रयोग के कारण निर्माण कार्य करीब 1 साल में पूरा हो सकेगा। प्री फैब्रिकेटेड चीजों के प्रयोग से निर्माण कार्य टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल होगा। इस योजना के तहत राज्यों का चयन कैसे किया गया है? केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2017 में ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए 6 स्थानों को चुनने के लिए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को कहा था। मंत्रालय ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को प्रोत्साहित किया था। मानकों के अनुसार सबसे अधिक मार्क्स पाने वाले 6 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में लाइट हाउस प्रोजेक्ट की शुरुआत की घोषणा की गई है। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट के निर्माण में विभिन्न तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिनमें से राजकोट में सुरंग फार्म वर्क, इंदौर में सैंडविच पैनल सिस्टम, लखनऊ में पीवीसी स्टे इन प्लेस फार्म वर्क सिस्टम, रांची में 3D वॉल्यूमेट्रिक सिस्टम, चेन्नई में प्रीकास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम, अगरतला में स्ट्रक्चरल स्टील फ्रेम सिस्टम शामिल हैं। आइए अब देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। इन लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण और इसके आगे की प्रतिकृति की सुविधा के लिए सजीव प्रयोगशालाओं के तौर पर सेवा करना है। इस प्रक्रिया में उचित नियोजन, डिजाइन, निर्माण कार्य, विभिन्न हिस्सों का उत्पादन और IITs, NITs की फैकल्टी और स्टूडेंट के लिए परीक्षण, अन्य इंजीनियरिंग और वास्तुकला कॉलेजों और निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों के बिल्डर शामिल हैं। चलिए अब देखते हैं इस योजना से संबंधित प्रश्न को। आज का प्रश्न है, निम्न में से लाइट हाउस प्रोजेक्ट से संबंधित असत्य कथन है। विकल्प ए, यह केंद्रीय शहरी मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना है। विकल्प बी, इसके तहत लोगों को स्थानीय जलवायु और इकोलॉजी का ध्यान रखते हुए टिकाऊ आवास प्रदान किए जाते हैं। विकल्प सी, लाइट हाउस प्रोजेक्ट में राज्यों का चयन ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के तहत किया गया है। विकल्प डी, इस प्रोजेक्ट के लिए त्रिपुरा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र का चयन किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही
इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।